नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उमा डांगी है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल यहाँ पे कर्क रोग तज्ञ यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना कहलाया जाता है और इसी अवसर पर मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में यानी कि स्तन के कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? कैंसर कोई भी शरीर के कोई भी भाग को, कोई भी हिस्से को हो सकता है और ये जब ब्रेस्ट को या स्तन को होता है तब उसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर हम स्त्रियों में ही पाते हैं लेकिन पुरुषों में भी देखा जा सकता है। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस वजह से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है? एक है स्त्री होना, दूसरी है आयु। अगर जैसी उम्र बढ़ती है वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है। आजकल की स्थिति में हम देखते हैं कि लेडीज भी काम करती हैं, लड़कियां भी काम करने जाती हैं, थोड़ा शादी लेट करती हैं, एक ही बच्चा है, ये सारी चीजें भी एक थोड़ा हल्का रिस्क बढ़ाती है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है यानी कि इसके चिन्ह क्या है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर जल्दी डिटेक्ट हुआ यानी कि अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो इसके इलाज से हम इसे पूरा ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ये कोई भी चिन्ह आपको अगर नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। डर के घर पे रहना अच्छा नहीं है क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये रोग बढ़ता है, ये फैलता है और फिर इसको पूरा अच्छा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चिन्ह कौन से हैं ये जानते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम यानी कि जो सबसे ज्यादातर हम पाते हैं ये गांठ लगना। स्तन में कोई भी प्रकार की गांठ अगर लगती है तो ये कैंसर हो सकता है। हर गांठ कैंसर नहीं है लेकिन हाँ, इसी जांच करना थोड़ा बेहतर होता है। और ये बहुत जरूरी है जानना कि शुरुआत में ये गांठ दर्द नहीं देती है और दर्द न होने के कारण बहुत टाइम हम ये महिलाएं उसको निग्लेक्ट कर देती है, उसको ध्यान नहीं देती क्योंकि दर्द नहीं कर रहा है। तो जो गांठ स्पेशली बड़ी उम्र में आ रही है और जो दर्द नहीं कर रही है इसमें कैंसर या कर्क रोग होने की चांसेस बहुत ज्यादा है और आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि कोई स्तन के शेप में आप चेंज पा सकते हैं कि राइट और लेफ्ट में फर्क दिख रहा है या कोई साइज बढ़ गया है। निप्पल और एरियोला का जो रीजन है उधर से उधर भी चेंजेस हो सकते हैं, वहाँ पे क्रैकिंग हो सकती है, निप्पल अंदर जा सकता है, निप्पल से कभी कभी खून आना या डिस्चार्ज आना, ये भी एक चिन्ह हो सकता है अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का। सिर्फ स्तन ही नहीं लेकिन बगल में यानी कि खाक में भी कोई गांठे या कोई तकलीफ हो रही है तो वो भी कभी कभी चिन्ह हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। एकदम एडवांस स्टेज में हम पाते हैं कि जो ब्रेस्ट की स्किन है या चमड़ी है उसके ऊपर भी बदलाव आ जाता है और जैसे संतरे का छिलका होता है उस तरीके से अपीयरेंस हो जाता है वो स्किन का। तो अगर इसमें से कोई भी चिन्ह अगर आपको नजर आते हैं तो जरूर डॉक्टर को जाके मिलिए ताकि इसका निदान जल्दी हो पाए। और हमें पता है कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो डेफिनेटली हम इसको पूरी तरह अच्छा यानी कि क्योर कर सकते हैं। धन्यवाद।